शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Percept Picture Company. जल्दी कान में बैठो, चलो चलो जल्दी। ए चले हीरो, ए चल रे चिकने, चल जल्दी चल। ए चिकने नया है क्या? चल थोड़ा बाजू में खसक, चल। आज तो मेरी तारीख फिर गिर गई, अब और 15 दिन रुकना पड़ेगा। मेरा भी वकील नहीं है साला। आज साला मुंबई में आधा टाइम तो सिग्नल में ही चला जाता है। ये तेरी बीवी ने कुछ खाने के लिए लाया था ना? लाया था यार, पर खत्म हो गया। बहुत दिन हो गए घर का खाना खा के। ये सामान बीड़ी पिलाना। ये माचिस है क्या किसी के पास? ये ले। कितना खट्टा है मुंबई। ए सामने देख लाल कपड़े में, क्या सामान है यार। अरे ए हल्का हरामी साला, सजा काट रहा है फिर भी चर्बी गई नहीं क्या? अरे क्या हवलदार साहब, आप भी जेल में रह के साले जिंदगी ड्राई हो गई है। बाहर आते हैं तो हरियाली दिखती है, चार दीवारी के अंदर क्या रखा है? ए चुप बैठो रे, जेल आ गया, चल 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 चल, सामान ले तेरा चिकने, चल। ठीक है सर, तो आ गया। चल 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 लाइन में, चल बैठ जा, चले उतर, चल बैठ, चलो जल्दी। ए चिकने लाइन से, लाइन से चल, उतर ना जल्दी जल्दी, चल ना, चल आ जा, चलो अंदर फटाफट, चल बैठ जाओ लाइन से, बैठ चल अंदर, चल सब अपने पैरों पे बैठ जाओ, चलो चलो गाड़ी निकालो, लाइन से बैठने दो, जाने दो, जाओ दे जाओ दे जाओ दे मागा जाओ दे, क्लियर है सब लोग, जोड़ी बना के दो दो की लाइन में बैठो, दो दो की लाइन में बैठो, चलो फटाफट चल अंदर, चलो जल्दी चल चल चल, बैठ रहे ठीक से, बैठ इसके पहले जो गाड़ी सब दो दो की लाइन में, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ए चल अंदर, ए आगे खसक, 10 11 टोटल 23, 7 कोर्ट 16 नवीन। ए चलो कोर्ट वाले कौन है, चलो उठो, चलो इधर लाइन में, चलो एक एक करके ले साइन कर, यहाँ पर पहन ला, हाँ ठीक है, चले तू कर अभी, चलो आगे चला जाए भाई।
नाम बता अपना। अश्विन दिनेश सावंत। कहाँ रहता है? 302 श्रद्धा अपार्टमेंट चेंबूर। श्रद्धा अपार्टमेंट चेंबूर। बदन पे कोई निशान है? हाँ है। किधर दिखाओ? छाती पे। जाड़िया दुआ चल। चलो सही करो इधर। जवान बराबर चेक करना। ए चिकने कोई आइटम का फोटो। ए ब्लू शर्ट चला इधर। नाम बताओ अपना। पराग दीक्षित। साइन कर। पूरा नाम? पराग मनोहर दीक्षित। मनोहर दीक्षित कहाँ रहता है? वीनस अपार्टमेंट 14 माला बी विंग लोखंड वाला। अच्छा बदन पे कोई निशान है? नहीं। ओके सही कर इधर। चला जाए चल अंदर। चल बाहर निकल जल्दी चल। अरे चल चल जा रहा है ना। चल 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 अंदर जल्दी चल। कपड़ा उतार शर्ट उतार पैंट उतार जल्दी। जल्दी जल्दी पैंट उतार जल्दी पूरा कपड़ा उतार। किधर बैठक मार जल्दी चल। हाँ चल खड़ा हो जा। चल पहन इसको। क्या नाम है तेरा? बहुत बढ़िया। जल्दी कर सेकंड दूसरे को भेजो। चले। ए, जेलर साहब को अपना नाम बताओ। हेमंत रघु शुक्ला। कौन से केस में आया? मर्डर केस में साहब। 302 के 304? 304 साहब। कौन से भाई लोग के लिए काम करता है रे? सर पर्सनल दुश्मनी है। 4 नंबर बैरक। चला गया रे। सर को अपना नाम बताओ। पराग मनोहर दीक्षित। कौन सा केस में आया? बोलना। ड्रग केस सर, नारकोटिक्स, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है। 2 नंबर में डालो। नवाब कहाँ है? आया साहब। साहब इन सबका मेडिकल करवाओ और बैरक में डालो। जी साहब। चलो रे। काफी वक्त बीता है मेरा इस जेल में। कई चेहरे गुजरे हैं मेरी आंखों के सामने से, पर मैंने कभी यह जानने समझने की कोशिश नहीं की कि इन चेहरों के पीछे कोई गुनाह छुपा है या नहीं। लेकिन जाने क्यों पराग को देखकर ऐसा लगा कि शायद ये एक गुनहगार का चेहरा नहीं है। इसे यहां नहीं होना चाहिए। ए, चला चल बैठ उधर। ये देख और लोग चल अंदर जा रहा है ना। ए गनी चला इन तीनों को जगह दिला दे। जगह दिला दो? नवाब भाई तो ऐसे बोल रहा है जैसे कि ये जेल मेरे बाप ने बनाया। अरे अपनी जगह खुद बना लो। चलो स्ट्राइक करो ना। चल टेंशन मत ले सुट्टा मार। चल कितनी बार बोला तेरा गज करण जैसे उधर रख के सोने का क्या तो तेरा नाटक आज फैसला करके रहूंगा। इधर इधर बराक से उठ जाएगा अभी तू पता भी नहीं चलेगा। तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ? कौन है तू यार? जो भी है तू भी इधर है मैं भी इधर हूँ। उखाड़ ले जो भी उखाड़ते चिरकुट लोग कौन लोग कर रहे हैं इधर? मैडम चुपचाप साला। अब की बार किसी ने शोर मचाया ना तो सबको मारूंगा। सो जाओ चुपचाप। क्या रे
नींद नहीं आ रही है? हाँ, जेल की पहली रात औरत की सुहागरात जैसी होती है, कितनी भी कोशिश करो नींद ही नहीं आती। हूँ जीके देसाई, क्रिकेट बुकी। तू क्या गुना में अंदर आवे छे? जवाब पण नथी आपतो। चल सुई जा सुई जा नवी दुल्हन। I know it is all exciting, but I have got better news to share. Our company's market share has moved from number 3 position to number 2. Please, इस मौके पर मैं खासकर दो टीम्स का नाम लेना चाहूंगा. We have Ankit and his team who have contributed 38 crores to the bottom line of the company. Superb. Congratulations. Congratulations, Ankit. Thank you. And we have the laziest, dumbest, and the biggest ass, Parag. Parag and his team have contributed 43 crores to the bottom line of the company. Thank you. So guys, on this happy occasion, I want to make one announcement. I am promoting Parag to the position of regional manager of the company. Thank you, sir. Thank you. Guys, it's party time. Hi, Mansi. Hi, Parag. Good news. Breakup कर रहे हो मुझसे? इतनी बड़ी good news भी नहीं है. I've been promoted. Regional manager. Can you believe it? Wow, that's a real good news. Thanks. बंदे में कुछ बात है. Treat कब मिल रही है? You know what? My CEO, Mr. Mukesh Tyagi, he's having a party tonight. You have to be there, baby. Please, you have to be there, okay? of course, darling. I'm boarding a flight right now. So, I'll be there in 2 hours, okay? Promise me? Yes. Okay. I love you. Love you. Bye. Bye. Yeah.
Oh, hi. Keshav. Hi. You scared me, huh? एकदम अचानक से? अब अपने घर में ढोल बजा के तो नहीं आऊंगा ना? And I think तुम्हारे परा के साथ मैं इस घर का रेंट शेयर करता हूँ, इसलिए अचानक आने की परमिशन मुझे होनी चाहिए, राइट? Of course, Keshav. I am not saying that. लेकिन तुमसे बहस करके कोई फायदा नहीं. I'll be in office by 10. I'll see you. I'll have a shower and come. So you're back. पूना के शोरूम का इनॉग्रेशन कैसा रहा? माइंड ब्लोइंग यार. अगर तू वहां होता ना तो वापस ही नहीं आता. क्या गाड़ियां थी यार, एक से एक. अच्छा, एक बात बता, मेरा काम किया? ऑफ कोर्स किया. चेक दिस आउट, कंप्लीटली हॉस्टाइल. ये सब तो ठीक है, गाड़ी बुक किया नहीं? मेरे भाई, मैं कंपनी का मालिक नहीं हूं, सिर्फ सेल्स मैनेजर हूं. तू गाड़ी देख, गाड़ी क्या गाड़ी है. 4x4 ड्राइव, ऑटोमेटिक, क्रूज कंट्रोल. इट्स अ ब्यूटी. इट्स अ ग्रेट कार. इसके लिए डबल मेहनत करनी पड़ेगी ना. आई डू इट, बट आई वांट दिस कार. यू शुड हैव दिस कार. यार तेरे नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो तू हमेशा मेरा फोन क्यों इस्तेमाल करता है? चल यार, सिर्फ एक ही कॉल कर रहा हूँ. आई बी बैक. हेलो. हाँ सर, आपको शाम तक गाड़ी. या तो तू अपने नेटवर्क की कंपनी बदल दे या घर बदल दे. स्टूपिड. पराग, ये केशव कुछ वियर्ड सा नहीं है? कम ऑन, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ. ही इज वेरी स्ट्रेंज. वो तुम्हारे कपड़ों से लेकर मोबाइल, तुम्हारे जूतों तक. उस दिन तो तुम्हारा टॉवल इस्तेमाल कर रहा था. कुछ तो लाइन ड्रॉ करे यार वो. रिलैक्स मानसी, पिछले 8-9 महीनों से वो मेरा रूममेट है और लड़कों में सब चलता है. और वैसे भी वो अकेला थोड़ी ना जो बिना मुझसे पूछे मेरी चीजों पे हक जमा रहा है. What do you mean? You dog? फिर से बोलो. Dog. I'm perfectly okay with this, Parag. You do one thing. You formulate this market Good plan evening, sir. And evening, and submit to me. फिर evaluate करते हैं. Not to worry. Okay, sir. ठीक है. Good evening, sir. Good evening, sir. तू सुधरेगा नहीं. मानसी को मिलके आ रहा है, राइट? शट अप यार. एक बात बता, बैंड बाजा कब बजवा रहा है? शादी कब कर रहा है? पागल है क्या? नॉट सो सून, दिस इज जस्ट द बिगनिंग. और वैसे भी अभी जिंदगी में बहुत कुछ करना बाकी है. तू सही कह रहा है यार. यू नो, मैं भी तंग आ गया हूँ ये गाड़ियां बेच बेच के. सोचता हूँ लाइफ में कुछ डिफरेंट करूं. रिक्शा बेचना शुरू कर दे. व्हाट? I'm just joking. Come on, let's go. Let's go. काली गाड़ी है, BH-354. चल निकल. नजदीक ले. क्या हुआ? पुलिस की गाड़ी अपने पीछे है क्या? चल चल, जल्दी जल्दी. पर गाड़ी भगा. पागल है क्या? मैं कह रहा हूँ गाड़ी भगा. पागल है क्या? तूने पिए, मैंने नहीं. बहस मत कर, गाड़ी भगा. केशव, रुक. माने, एम्बुलेंस बुला. जी सर. सावंत, गाड़ी चेक करो. किट बॉक्स आना पड़ा. पॉजिटिव है सर.
पुलिस इंट्रोगेशन को हैंडल करने के दो तरीके हैं, बी स्मार्ट एंड सेंसिबल। तुम अपने आप बोलो या पुलिस बुलवाती है। कब से कर रहे हो धंधा? सर, I'm not understanding, sir. मुझे नहीं मालूम आप किस बारे में बात कर रहे हैं। इतना सारा ड्रग्स, इतना प्योर इंटरनेशनल क्वालिटी का, कब से सप्लाई कर रहे हो तुम दोनों? It's a misunderstanding, sir. ये मेरा सामान नहीं है सर, ये बैग भी मेरा नहीं है सर। मैं बस वो ऑफिस से वापस आ रहा था तो मैंने केशव को लिफ्ट दे दी सर। बस सर, मैं अपने बारे में आपको बताता हूँ सर, मेरा नाम है पराग दीक्षित, मैक्स फाइनेंस कंपनी में रीजनल मैनेजर, वो केशव राठौड़ा, डीएम कार शोरूम का सेल्स मैनेजर। और कुछ? और कुछ? वो बस मेरा रूममेट है सर, वो उसके अलावा वो क्या करता है सर, वो मुझे कैसे पता चलेगा सर? तुम्हें कैसे पता चलेगा? 8 महीने से उसके साथ रहते हो, साथ में डील्स करते हो, बैंड्रा से ड्रग्स लेके निकलते हो। नो 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 सर। तुम्हारा रूममेट रिवॉल्वर अपने साथ में रखता है, पुलिस वालों पर रिवॉल्वर निकालता है, और तुम कहते हो कि वो क्या करता है मुझे कुछ पता नहीं। सर सर, आई प्रॉमिस आई डोंट नो सर। मुंबई के ड्रग पेडलर्स को तुम्हारे मोबाइल से फोन जाते हैं। सर फोन? हाँ सर, वो तो उसके नेटवर्क का प्रॉब्लम था सर, इसलिए वो मेरा फोन इस्तेमाल करता था सर। आई प्रॉमिस यू सर, आई एम इनोसेंट सर। सर प्लीज सर, मेरा यकीन कीजिए सर, मुझे नहीं मालूम सर वो क्या करता था। बाहर मीडिया वेट कर रही है। सर प्लीज सर, मेरी बात सुनिए सर, मुझे वाकई नहीं मालूम सर। सर शेख, सर जरा देखो। सर प्लीज सर, कुछ बोलता है क्या? सर मुझे नहीं मालूम सर। सर प्लीज सर, प्लीज सर, थोड़ी बात करते हैं। सर प्लीज सर, चल बात करते हैं। चल सर, चल आजा, चल सर प्लीज, चल बात करते हैं। सर क्या बोलिए? सर जो बैंड्रा में इनकाउंटर हुआ है, कौन थे वो लोग? देखिए, इसमें टोटल दो लोग थे। एक है केशव राठौड़, जिसको पुलिस के सेल्फ डिफेंस पे गोली लगी है, इज इन आईसीयू। और दूसरा जो है पराग दीक्षित है, जो मैक्स फाइनेंस कंपनी में जॉब करता है और अब हमारी कस्टडी में है। सर इसमें क्या क्या और कितनी क्वांटिटी में ड्रग्स मिले हैं? देखिए, इन्वेस्टिगेशन इज ऑन, और कल कोर्ट के सामने पराग दीक्षित को हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा मैं आप लोगों को कुछ नहीं कह पाऊंगा। कोर्ट लेके जा रहे हैं तुमको, किसी से बात करनी है? चल नंबर बोल। पराग, पराग व्हाट हैपेंड? टीवी पे है न्यूज़। पराग, मामा बहुत परेशान हो रही है। दिल्ली से निकल चुकी है। आई एम आल्सो डोंट वरी, आई एम कमिंग पराग। पराग काम डाउन, काम डाउन, यू डोंट हैव टू वरी पराग, एवरीथिंग विल बी फाइन। ओके, मैं भी आ रही हूं। पराग, पराग हेलो रफीक अयूब मुल्ला, बाईस में दीक्षित, पराग मनोहर। योर ऑनर, दिस इज अ वेरी सीरियस ऑफेंस, वी नीड पुलिस कस्टडी। पीसी फॉर 14 डेज। दिलीप सूर्यकांत मिश्रा, पीसी यानी पुलिस कस्टडी और जेसी यानी जुडिशियल कस्टडी, और पराग को 14 दिनों की पीसी मिली है। इसका मतलब यह होता है कि पराग को इन्वेस्टिगेशन के लिए 14 दिनों तक पुलिस स्टेशन में ही रहना होगा। अगर उसे जेसी मिली होती तो सीधे उसको
जेल में शिफ्ट कर दिया होता, पर खैर ऐसा हुआ नहीं। मैं एक काम करता हूँ, FIR की कॉपी मंगवा लेता हूँ और उसे पूरी तरह से स्टडी करने के बाद ही आप लोगों को पक्के तौर पर बता पाऊंगा कि इस केस में मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ। डोंट वरी, अगली हेयरिंग तक मैं पराग को पूरी कोशिश करूंगा बेल दिलवाने की। मिस्टर भाटिया, आपकी फीस? वेल मिस मानसी, मानसी वैसे तो मैं एक हेयरिंग के लिए 1,25,00,000 रुपया लेता हूँ। डोंट वरी, मैं समझता हूँ कि आप लोग भी मेरी तरह मिडिल क्लास हैं। मैं आप लोगों से 75,000 रुपया ले लूंगा। ये 20,000 कैश है और बाकी के मैं हेयरिंग पे दे दूंगी। इसकी क्या जरूरत थी? नहीं, आप बेफिक्र रहिए, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल चले। नमस्ते। नमस्ते, थैंक यू। मिस्टर त्यागी, पराग दीक्षित ड्रग्स के साथ गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन क्या वो खुद भी ड्रग्स लेते थे? देखिए, पराग दीक्षित हमारे ऑफिस में काम करता था, लेकिन 6 बजे के बाद वो अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करता है, किससे मिलता है, कहाँ जाता है, वो उसकी जाती जिंदगी है। इट इज नन ऑफ आवर बिजनेस। देखिए, कंपनी की तरफ से प्रेस रिलीज जा चुकी है, आप में से जिसको डिटेल चाहिए उस प्रेस रिलीज में आपको डिटेल मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। देखो मैडम, मैं आपको मिलने नहीं दे सकता, ये ड्रग्स का मैटर है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अगर आपको कपड़ा देना है तो आप दे दो। दे रहे, जरा पिछवित कहते चेक करा। शो करूं कौन सा है? तो रुक शेख, डेरे उधर देखो। ये चिकना पोपट, फटाफट बता, मेरा टाइम वेस्ट मत कर। मुझे नहीं, मेरा दोस्त घोड़ा लेके घूमता है, तेरे को मालूम नहीं है? जिंदगी भर अंदर करता रहेगा, बता किस किस को माल बेचा तुम लोगों ने। इसको पहले देखा है कभी? हाँ, केशव नाम है इसका। चल चल, मुझे जितना पूछूं उसी का जवाब दे, ज्यादा होशियारी नहीं। डोंट वरी मामा, सब ठीक हो जाएगा। बेटा, तू ठीक तो है ना? घबरा मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। You'll be soon out of this. Don't worry. Mr. Parag. Hello. Harish Bhatia. आपका लॉयर हूँ मैं। बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, कुछ नहीं होगा। ऐसी बहुत सारी केसेस हैंडल किए मैंने। वैसे तुम्हारी FIR पढ़ी है मैंने। Not to worry. ये वकालतनामा है। इस पर आपको चंद दस्तखत करने हैं। एक यहाँ और एक इसके पीछे। यहाँ और यहाँ। पुलिस का काम होता है गुनाहगार को पकड़ना, और हमारा काम होता है बेकसूर को छुड़वाना। अब देखो मैं कैसे दूध का दूध और पानी का पानी करता हूं। सर मैं निकलूं? सर
अभिषेक। हाँ सर। पराग दीक्षित के बारे में तुम्हें क्या लगता है? सारे सबूत तो उसी के खिलाफ जा रहे सर, और बाकी जब केशव आईसीयू से बाहर निकलकर बोलेगा तब जो पता चलेगा वो। अपना इन्वेस्टिगेशन जारी रखते हैं, चार्जशीट डालते हैं, बाकी कोर्ट जो फैसला सुनाएगा देखा जाएगा। हाँ सर, निकले सर। Your Honor, 14 days remand is over and we are praying for judicial custody. Sir, I have filed application for applicant and the reply is also filed today. Continue. Your Honor, applicant has been falsely implicated. Applicant was arrested on 6th April from Bandra. इस केस में इनका रूममेट भी इन्वॉल्व है, उसी ने ये सब किया है। इस वक्त इनका रूममेट एक अस्पताल में बेहोशी की हालत में है। Applicant is innocent. I will like to also inform you, sir, applicant works with Max Finance as the regional manager. His family is totally dependent upon him. And also, he belongs to well-educated family. Ye khud bhi padha likha hai, sir. He has no antecedent. He is innocent, sir. So I request to this court, applicant's bail may please be granted. Your reply. May I please, Your Honor? Drug business does not distinguish between poor and rich. We are suspecting a big racket in this case. Large quantity of drug has been seized and police par firing ka attempt hua hai. They are indulging in narco-terrorism, which is big social evil. Investigation is in crucial stage. Chemical analysis report aana baki hai. Is stage mein, agar accused ko bail di jaye, he may abscond or tamper with the evidence. Hence, I request this bail be rejected. The offense is serious in nature. A large quantity of contraband has been recovered from his custody. It is pertaining to note that the accused has also fired on the police party. That is too serious. The offense is antisocial. There is the possibility of abscondence of the accused. And hence, he is not entitled for bail and his application for bail is rejected. Sir, this is not true, sir. Sir, please listen to me. Sir, please. No. Meri baat sunniye aap, sir. No. You have appointed a lawyer. Aap unse baat kijiye. Dale, dal. एक कश्मीर का क्या अफगानी है, मस्त नींद आएगी। ओके, किस केस में अंदर आयो? ड्रग्स। ड्रग्स? जोकिंग। मौला सुन ले दाता।
चार छः छः आठ दस बारह चौदह। चल पीछे 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 चल पीछे आराम से आराम से ए आराम से धांधल नहीं करने का। भाई नहाने का क्या क्या नहाने का? अरे बाबा भाई के राज में वो ड्रम पड़े लेना अंदर, उसमें नहाने का मस्त होकर। ये सर्कस में क्या, चल टाइम पास करते हैं। देखा नहाने का पानी खत्म हो गया। मैं तुम लोगों को बोला था ना अभी राहुकरण चल रहा है, पानी खत्म हो जाएगा। ऐसे हुआ ऐसे ही। ये अन्ना तेरी भविष्यवाणी छोड़, मेरी शायरी सुन। सुनो, नालो धोलो निकालो कितना भी मैल बदन का, फिर भी ना निकले मैल बदन का, क्योंकि ये पानी है जेल का। समझा ही नहीं। चल चल चल। चिकने पानी खत्म हो गया, 4 बजे आना, हाथ मुंह धोले अभी चल। कबीर भाई, हाँ अपने याकूब भाई कब छूट रहे ले? वो तो नासिक जेल में है ना। अच्छा बाबा भाई ने ना हाँ सॉलिड वसीला लगाया है। मतलब बाबा भाई की दया से वो तो यूं छूट जाएंगे। 15 साल हो गए, अब तो ये भी भूल गया हूँ कि यहाँ किस लिए आया था। बीवी बच्चे रिश्तेदार। ए जलवा, हाँ तुझे पता है क्या मक्खन चिकना है ना ड्रग्स के केस में अंदर आया? इतना तो हार्डकोर नहीं लगता, वो सॉफ्ट है ना। ए, चल ले। चल चल भाग। कबीर भाई साले गोल है कि मानते ही नहीं। ये चंदू सुन, सामने जाके 2 जगह कर दे। इतनी जल्दबाजी करने का फायदा क्या? तो खाना तो वही है ना। ए चिकने चल, नहीं तो पानी की तरह खाना भी खत्म हो जाएगा। चल जल्दी चल, आजा। लाइन बहुत धीरे चल रही है, पहले तू तो चल। आजा चल। अन्ना तेरी भविष्यवाणी क्या बोलती है, बता आज कौन सी दाल बनी होगी? अबे मेरे को क्या मालूम दाल कौन सी बनी है। फिर तू क्या घंटे का ज्योतिषी है? तुझे यही नहीं पता कि कौन सी दाल बनी है और तू लोगों का भविष्य देखता है? अबे चुप रहे, अभी राहु कलम चल रहा है, कुछ भी हो सकता है, समझा? चले आगे चल। क्या पीलू अन्ना की बजा डाली। चलो रे चलो रे आगे चलो रे, चलो आगे आगे। दाल थोड़ी ज्यादा ऊपर ऊपर, चल प्लेट ऊपर ऊपर ऊपर। अरे चला गए। चले चल रहे। आ गया साला लखनऊ का नवाब, खिलाओ रे इसको टुंडे कबाब। छोड़ो ना गनी भाई। क्या क्या दिखता है? अब क्या हुआ था वहाँ? अरे क्या बताओ नवाब भाई, मैंने बहुत समझाया, वो मानता ही नहीं, अब पता नहीं क्या होगा। हाँ गनी। क्या चंदू भाई? चंदू चिकने को समझाओ खाना फेंकने के लिए। गनी छोड़ो ना गनी भाई, थोड़ा दिन ठहरो लाइन पे आ जाएंगे। कई बार छोटी छोटी जरूरतों की कीमत हमें उनके छीनने के बाद समझ में आती है। चलो आगे आगे। जेल के माहौल को अपनाने में पराग को वक्त लगा, पर लेकिन मेरा मानना है इंसान जेल को भले ही ना अपनाए, जेल अपने आप रिश्ता जोड़ लेती है। पराग को इंतजार था अपनी आजादी का और इसी उम्मीद के साथ वो इस जेल की जिंदगी जीने लगा। अरे काम धंधा कुछ चला नहीं, इसलिए ज्यादा पैसे कमाने की चाहत में नकली डॉलर का धंधा शुरू किया और इधर जमा हो गया। अरे गालिब भाई, अंदर के भाई लोगों का मोबाइल मुझे मिल जाए ना तो मैं यहीं से अपनी मैच फिक्सिंग की दुकान चालू कर डालूं, सबके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। साहिब भाई वो 20 रुपए का कूपन दो ना, सिगरेट का बहुत तलब लगा है। ये ले
लेकिन बदले में मेरे बिस्तर से कपड़े ले और धो डाल। चल चल चल। ये कूपन, बाहर की दुनिया चलती है पैसों पर और जेल चलती है कूपन पर। कुछ खरीदना हो तो कूपन, ऐसे रहना हो, हवलदार से काम निकलवाना हो, मुलाकात का टाइम बढ़वाना हो, छोटे में जेल का पैसा है ये कूपन। अरे चिकने, तू अपने घर वालों से मनी ऑर्डर मंगवा ले, तुझे भी मिल जाएंगे कूपन। हाँ, लेकिन महीने का 1500 का लिमिट है क्या? क्या है इधर, जिसके पास जितना ज्यादा कूपन वो उतना ही बड़ा बादशाह। लेकिन संभल के, यहाँ पे कूपन पर हाथ साफ करने वाले भी बहुत हैं। अरे तेरा नाम पराग दीक्षित है ना, सुनाने देता है, तेरी मुलाकात आई है, जा 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 जा। देखो बेटा, अम्मी को तंग नहीं करना, अम्मी की बात मानना। हाँ, कैसा है तू? आप लोग कैसे हैं? हम लोग ठीक हैं। तू हमारी चिंता मत कर बेटा, तू बस अपना ख्याल रख। और केशव? स्टिल इन कोमा, कोई रिकवरी नहीं है। बट सर, वो बेल का क्या हुआ सर? हाई कोर्ट में एप्लीकेशन की थी, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, बट नॉट टू वरी, चार्जशीट फाइल होते ही फिर से एप्लीकेशन कर देंगे। कुछ दिन और लगेंगे। कुछ दिन? और कितने दिन सर? पराग, ये लीगल प्रोसीजर है, वी हैव टू फॉलो द प्रोसीजर, और हमारा सिस्टम थोड़ा स्लो चलता है, तुम जानते हो, कुछ दिन तो लगेंगे ही। लेकिन कितने दिन? मैं पागल हो जाऊंगा, माल को मैं, माँ प्लीज। पराग, ये ड्रग का केस है। माँ प्लीज, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, माँ प्लीज, I'll go mad, I promise you, I'll go mad। पुलिस वाले पे गोली चली है, ये मत भूलो कि ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। बेटा सब ठीक हो जाएगा, तू बस थोड़ा धीरज रख, जस्ट टेक काम। पराग 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 पराग, चलो सब लोग, बंदी का टाइम हो गया। चलो हाँ, चलो सर, कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक जो टॉयलेट बनवाने थे काम पूरा हुआ सर? और दो दिन लग जाएंगे, जल्दी करो, वो कमेटी आने वाली है प्रीव्यू के लिए। जी सर। ए भाई, यहाँ क्यों बैठा? बंदी का टाइम हो गया, अंदर चल। नहीं जाऊंगा मैं यहाँ पे क्यों रहूँ? मैंने कुछ नहीं किया। जेलर सब आ गए। नवाब जी, क्या हो रहा है यहाँ? ये बाहर क्यों है? चलो गो इनसाइड। मुझे किस चीज की सजा मिली है? आई एम नॉट अ ब्लडी क्रिमिनल, आई एम नॉट, आई डोंट डिजर्व दिस। तुम क्या डिजर्व करते हो और क्या नहीं, इसका फैसला कोर्ट करेगी। यहां ये सब नहीं चलेगा। कम ऑन, Come inside, quick. I said, move. Move! Engle? Sir. Leke ja isko. Hey, chale! Don't touch me! Don't touch me! अब क्या हुआ? नहीं, प्लीज। अभी फट रहे हैं? नवाब, दे नाल बंदी साले को। नहीं, बहुत बात करता है हरामी। नहीं नहीं नहीं, दे फट के। अब पता चलेगा साहब को उल्टा जवाब देने का नतीजा। नहीं प्लीज, मर्स। पकड़ के बोलना तो दूर, चल भी नहीं पाएगा। बस अभी के लिए इतना काफी है। कासरे, हाँ, छोड़ दे साले को। ठीक है, चल बेटा, तेरा पहला क्लास खत्म। ए कारे,
सो जाओ सब लोग। ए, चल ना, चल। ए गालिब, पी लो, उठाओ इसको। चलो उठ गए। ए उठ भाई। आराम से, आराम। शाबाश। उठा, उठा। हाँ, उठ। ए हटो, हटो। चलो। मारे साले। आराम से। हटो, हटो। मेरे ख्याल से वेल्डिंग वर्कशॉप आज तैयार हो जाएगा। सब सामान वहाँ शिफ्ट कर देना। और देखना, शिफ्टिंग के वक्त कोई लोखंड का टुकड़ा नहीं बचे। कासरे साथी ने लक्ष्य दें। कोई सर। लाकोट वाले गाड़ी तैयार है। यहाँ दर्द हो रहे? हाँ। दवाई की पार्सल आया। अभी भी हो रहे? हाँ। ठीक है, एक और दिन की दवाई देता हूँ। पराग, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं? नहीं, बस ऐसे ही। ऐसे ही तो कोई दवा खाने नहीं आता। क्यों, यहां आने पर भी लोगों को मारा जाता है? पराग, यहां किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने कुछ किया है या नहीं, लेकिन यहां तुम्हारे साथ कैसा सलूक हो यह तुम्हारे हाथ में है। दोस्त बनाओ, वक्त काटने में आसानी होगी। क्या रे, सब ठीक है ना? अच्छा है। ले, प्योर अफगानी है ना? हाँ हाँ, एकदम। ये ले आवड़े। थैंक्स। ऐश कर, चल 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 गुसंदर। ले पकड़। क्या रे चिकने, सुना उस दिन जेलर के सामने तूने मस्त डेयरिंग दिखाया यार? देख भाई, जेल का शुरू का टाइम ये सेट करता है कि तेरा आने वाला टाइम यहाँ कैसे गुजरेगा। अगर तू स्टार्टिंग में ही दब के रहा तो यहाँ हर आदमी तेरे लेने के लिए लाइन लगाएगा, लेकिन अगर तूने उस दिन जैसी एक दो बार और गर्मी दिखा डाली ना तो तू किंग रे, अपन लोग की मस्त जमेगी। कोई भी टेंशन हो बोलने का। कबीर भाई का आदमी। कबीर भाई। हाँ इधर आओ ना। हाँ आ रेला, छोड़े आ रेला, मिलते रहे। मेडिकल चेकअप। क्या बात कर रहे हो शिरके साहब, पेपर में तो बहुत बवाल हुआ था। कुछ नहीं। हाँ, था। बिल्कुल। बताओ ना क्या बात क्या थी। अरे बोलो ना। अरे भाई कुछ नहीं था, पार्टी में मेरा कद ऊंचा हुआ देखकर मेरे अपने लोग मुझसे जलने लगे और मुझे फंसा दिया। पार्टी फंड के नाम से दो लोगों से मेरे घर पे रुपया भिजवाए और ये इल्जाम लगाया कि टेंडर के लिए मैंने रिश्वत लिया। अरे कुछ नहीं शेरके साहब, आपकी राशि के हिसाब से शनि की ग्रह दशा आप पे खराब चल रही है, 15 दिन में उतर जाएगी और उसके बाद देखो बेल होने पर यही पुलिस वाले गोदी में उठा के आपको बाहर छोड़ देंगे। एकदम सही बोला। अब इस बात पे एक शेर सुनो शिरके साहब। बोलो बोलो गालिब भाई बोलो। पॉलिटिक्स का बुखार बुरा होता है, कुर्सी का खुमार बुरा होता है, इस देश के नेताओं से बच के रहना दोस्तों, इन लोगों का तो प्यार भी बुरा होता है। साला नेता इधर जेल के अंदर सड़ रहा है, पन दरबार लगाने का कीड़ा गया नहीं इसका। कुत्ते की दम टेढ़ी चलेंगी साली। गनी भाई मजामा। हाँ मजामा। छो मोटा भाई। बस भाई बस, जेल में जलसा छे। दिलीप मेहता भगवान का आदमी, साले का पूरा खानदान 498 के लिए अंदर है। 498? अरे जब कोई औरत अपने ससुराल वालों पे दहेज के लिए तंग करने का इल्जाम लगाती है ना, तब उसके ससुराल वालों पे 498 लगती है। अरे इसके बेटे की बीवी का बाहर चक्कर था, बेटे ने एक दिन पकड़ लिया, बहुत गर्मा गर्मी हुई, बीवी ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी कि मेरे बाप से दहेज मांग रहे। बस अब इनके घर के कुत्ते को छोड़ के सारे लोग जमा है जेल में। ये लो बाबा मिर्ची के लिए कोर्ट से स्पेशल ऑर्डर लेके रखा है, बोलता है पेट की सारी बीमारियां उसे, इसलिए खाना कपड़ा सब घर से आता है। और सुना इन डिब्बों में ना कभी कभी मोबाइल के पुर्जे भी आते हैं और ये कबीर उन्हें जोड़ देता है। बाबा मिर्ची वो अंडरवर्ल्ड वाला? हाँ वो ही चरे गैंगस्टर, डोंगरी से दुबई तक अंडरवर्ल्ड की दुकान स्पेशल बैरक में बैठ के चलाता है, अंदर से ही लोगों का गेम बजा देता है। हुँ,
ए गनी, तेरी मुलाकात आई, चल आता है मैं। बीबी बोलना सीखी क्या? हाँ अम्मी, पानी थोड़ा थोड़ा बोलती है। अब्बा बोलने नहीं सिखाई तू? अभी तो बोलना शुरू किया है। अच्छा गनी, वो मैंने एक बिस्किट के कारखाने में काम पकड़ा है। काय को? काम काय के वास्ते पकड़ी तू? घर कैसे चलाती मैं? जो पैसे छोड़े थे वो तो 2 महीने में ही खत्म हो गए। उस पर से तुम्हारा वो वकील हर 4 महीने में मुंह खोलता है, किधर से लाती मैं? ए चल गनी, टाइम खत्म हो गया। कासरे रहने दे। ठीक है साहब। करो करो, तुम लोग बात करो। ठीक है, लेकिन सबीना अभी अगली मुलाकात पे आएगी ना, इसको अब्बा बोलना सिखा के लाना। वो वही बोलती है जो सामने देखती है। घर आ जाओगे तो वो भी सीख जाएगी इंशाल्लाह। पराग, देख मेरी बेटी। कह रही है, क्या उम्र है इसकी? 1.5 साल की है मेरी मेहरू। 4 महीने की पेट में थी मेरी बच्ची, तभी चाह गया मैं इधर। किस केस में? 302 मर्डर। मर्डर? तुमने? मेरा निकाह हुआ ना, उसके पहले सबीना बियर बार में काम करती थी। एक दिन मैं उसको खाना खिलाने वास्ते बाहर लेके गया, उधर उसके बार का कोई पुराना कस्टमर मिल गया। वो सबीना के साथ उल्टा सीधा करने को लगा, मेरा भेजा फिर गया उधर ही। मैंने बाटली उठा के उसके सर में दे डाली, वो उधर ही मर गया। मैं उसको मारना नहीं चाहता था, गुस्सा 1 सेकंड का था। मैं 2 साल से अंदर है, अभी तक ट्रायल भी चालू नहीं हुआ। ललित महाजन, अंकुश यादव, जमानत हो गई है, बंदी के बाद सर्कल ऑफिस आना। क्या रे देसाई, तेरे को वॉलीबॉल में इंटरेस्ट नहीं है? अबे वॉलीबॉल से अच्छा तो अपना क्रिकेट मैच है, फटाफट फैसला हो जाता है। चल रे देसाई, बट ले। पता है जेल में साला लाइफ का वैल्यू ही नहीं, अब तेरी लाइफ ले ले। मर्डर केस में आया, क्या पता क्या होगा। अरे बाहर निकल पाएगा भी कि नहीं, लाइफ होता है चांस लेने के लिए, और चांस लेने का है तो लाइफ बाहर जाके जी। मतलब मैं तुम लोगों का बात मान ले? हाँ मुझे पता है तुम लोग क्या करते, इधर लोगों को बहलाते, उनका जामीन कराते और बाहर उनसे गेम बजवाते। ए कबीर, मैं तेरे को पहले भी कितने टाइम बोला है और अभी फिर बोल रहा है, मेरे को तेरे से और तेरा भाई लोग से कोई लेना देना नहीं रखना है, समझा? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मिस मानसी, ये देरी मेरी वजह से नहीं हो रही है। कोर्ट में ट्रायल शुरू तो हो तो मैं कुछ करूं। वैसे अगले हफ्ते चार्जशीट फाइल हो जाएगी, और एक बार चार्जशीट फाइल हो जाए उसके बाद हम दोबारा अप्लाई कर सकते हैं बेल के लिए। और हाँ, अब की बार पराग को बेल मिलने के चांसेस बहुत ब्राइट है। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलिए पंडित जी। हाँ वो कस्टम वाला केस, उस केस में कोई दम नहीं है, ये मीडिया ने मचाया हुआ बवाल है बस। अरे पंडित जी, आजकल कोर्ट में ट्रायल कम चलते हैं और ये मीडिया वाले अखबारों और टीवी में ही ट्रायल खत्म कर देते हैं। ठीक है, शाम को क्लब में मिलकर बात करते हैं। ठीक है मिस मानसी, आज आप मुझे चेक देने वाली थी। मानसी जी, पिछली बार का भी तो बाकी है। 2-4 दिनों में I'll manage. Try to understand. मेरे असिस्टेंट को आप 1,000 रुपये दे दीजिए,
मिसलेनियस एक्सपेंसेस, कोर्ट में आना जाना पड़ता है, ट्रैवलिंग अलाउंस। ओके मैम, थैंक यू। ओके सर। यशो, थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते। कम आना, चल आजा, मैं तेरे को बाबा भाई से मिलाता है, चल। नहीं मैं वो देख भाई, दुनिया तरसती है बाबा भाई से मिलने को, मैं तेरे को सामने से लेके जा रहा हूं, चल चल ना, आ तू। हाँ, गुटका किंग बिपिन अग्रवाल, 1000 करोड़ का बिजनेसमैन, 2 नंबर का धंधा करता है, बाबा को क्या एड़ा समझाए क्या? धोखों का तेरे लिए कौन सी बड़ी बात है? हाँ, और ये एक्सटॉर्शन मनी नहीं है, प्रोटेक्शन मनी है तेरी सलामती के लिए, समझा तेरे भाई को यार, धोखों का तुम भाइयों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है क्या? पर जेल में कैसे, किधर से? तू उसका टेंशन मत ले सामंत। हाँ भाई, इसको साइड में लेके जा, इसके भाई से जरा पैसे का लेनदेन की बात कर जरा, चल। ठीक है भाई, ये चल रहे, चल। मैं बोल रहा है ना, अरे तू चल यार, मैं है ना भाई। सलाम कबीर, आजा आजा। हाँ भाई। अरे तू आ बैठना भाई, ये पराग आपको बोला था ना, ट्रक केस में है ना ये? हाँ भाई। साले ऐसे मैटर तो बहुत लंबे जाते हैं भाई, बहुत टाइम जाएगा भाई इसको कोर्ट में। साला कबीर, ये समझता होगा कि अपने लोग की जिंदगी कितनी फिल्मी है ना यार। कलिंग खाएगा, टेंशन जरा भी नहीं लेने का, कुछ भी जेल में होएगा एनी टाइम बोल देने का, चल। ठीक है, चल। कबीर। हाँ भाई। इधर तू चल, मैं आता है। हाँ भाई। शरीफ बच्चा है, ऐसे लड़के को मत लाया कर, जिगर वाले लड़के चाहिए जो बाहर जाके अपना काम बजा के आए तेरी तरह, समझा? हाँ भाई। बार क्या कलिंगल खिला रहे? हाँ भाई। क्या बात हुई? कुछ नहीं है, कहा कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। इन लोगों से जितना दूर हो सके उतना दूर रहना, बहुत कुछ देने की बात करते हैं ये, लेकिन आखिर में पुलिस की गोली या ऐसी कोई जेल के अलावा कुछ नहीं दे पाते। नवाब भाई, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आप किस केस में आए हैं? मर्डर। सब तो ठीक ही चल रहा है केशव, अब नो रिकवरी है। हाँ, लेकिन वो लॉयर इज वेरी होपफुल, कह रहा था कि तुम्हारी बेल होने के चांसेस बहुत है। पराग, यू मिस मी? ठीक है, बाय।
चल 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 ये जाड़िया चल चल जल्दी कर चल 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 अंदर जल्दी कर चल 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 वाकई भयंकर स्थिति है। हाँ एक काले सांड हट गिरा रो मत फेस अबे ध्यान दे तेरा जान गिरा रो मत फेस स्टिंकिंग पिग। ये पिछले कुछ दिनों से भीड़ कुछ ज्यादा ही हो गई है ना? बरसात चालू हो गई ना, अभी मुंबई में जितने लोग घर के अंदर नहीं रहते उससे जास्ती तो रोड के ऊपर होते। बारिश के अंदर भीग के या साला नाले में डूब के मरने से अच्छा है ना छोटा मोटा राड़ा लफड़ा करके अंदर आ जाने का। जेल में रोटी कपड़ा मकान सभी तो मिलता है क्या? और क्या, स्ट्राइक कर पी लो। Dude, I'm sitting here for some time. What the hell? पता नहीं कौन आके मेरे पास में बैठ गया है। इतनी बास। He's stinking. I feel like throwing up. Two more days. दो दिन में मेरी हेयरिंग हो जाएगी। And I'm out of this mess. 8 महीने से this place has been ruining me so bad. God. इनको देखो, जस्ट लुक एट देम, यहां से लेके सड़क तक कीड़े मकोड़ों की तरह फैले हुए हैं। एंड देन दे ब्लेम मी, मैंने क्या किया है? पार्टी में दो पैक पिए, गाड़ी चला रहा था, थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ, आई हैड एन एक्सीडेंट, एंड द नेक्स्ट डे हेडलाइन, जो डिसूजा क्रशेस 6 पीपल, हिट एंड रन। मैंने बोला था उनको सड़क पर सोने के लिए। आई टेल यू डूड, these people deserve it, they freaking deserve it, burgers. When is your hearing? Kal. Good luck. Pardon, Greg. Okay. पिलू भाई चलिए। अच्छा 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 बोलना मत हमको। इंशाल्लाह आज तेरा बेल हो जाएगा। थैंक यू। जाते जाते एक शेर तो सुनता जा। दुश्मन को भी जेल की जिंदगी मिले ना कभी, जा तुझे जिंदगी मुबारक, हम भी निकलेंगे कभी ना कभी। वाह चलिए सेव। चलो हाँ चल चलो आगे चलो। क्या नाम है? मंजूर भट्टी। चल जा। क्या नाम है? राग मनोहर दीक्षित। मनोहर दीक्षित। चल जा ए, चल अंदर चल। नवाब भाई चलता हूँ। क्या रखना अपना? क्या नाम है तेरा? लो वो आ गया पराग। माँ मानसी क्या हुआ? पराग केशव इज नो मोर। मे इट प्लीज द कोर्ट, एप्लीकेंट की चार्जशीट फाइल हो चुकी है, इन्वेस्टिगेशन इज ओवर नाउ। सर चार्जशीट में ऐसा कोई मैटर नहीं मिला है जिससे यह साबित हो सके कि एप्लीकेंट की कार में जो ड्रग से भरा हुआ बैग मिला था वो खुद एप्लीकेंट का है। इट इज जस्ट एन अजम्पशन एंड इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कोइंसिडेंस। डिसीज्ड अक्यूज्ड मिस्टर केशव राठौड़ एप्लीकेंट का रूममेट था और उस इंसिडेंट वाली रात उसके साथ था। एप्लीकेंट इज एब्सोल्युटली इनोसेंट सर, ही वोंट जंप बेल, ही हैज अ जॉब एंड अ फैमिली टू लुक आफ्टर, सो आई रिक्वेस्ट द कोर्ट टू प्लीज ग्रांट हिम बेल। थैंक यू। What do you have to say? Your Honor, मैं कोर्ट को बताना चाहूंगा डिफेंस इस पूरी केस को डिसीज्ड एक्यूज पर शिफ्ट करके केशव राठौड़ की मौत का एडवांटेज उठाने की कोशिश कर रहा है। अगर एक्यूज को बेल मिल गई तो यह मुमकिन है कि बाहर जाकर वो एविडेंस को टेम्पर करने की कोशिश करेगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्राइम विटनेस को हार्म या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा। आई रिक्वेस्ट द कोर्ट
टू रिजेक्ट द बेल एप्लीकेशन. थैंक यू मैम. पुलिस ऑफिसर के ऊपर फायर करना एक सीरियस ऑफेंस है जिसे ओवरलुक नहीं किया जा सकता. आई एग्री विद द प्रोसिक्यूशन दैट द एक्यूज में ट्राई टू इन्फ्लुएंस एंड हार्म द प्रोसिक्यूशन प्राइम विटनेस एंड टू टेम्पर द एविडेंस. प्राइम एक्यूज की डेथ के बाद एक्यूज्ड ही अकेला है जिसके जरिए ये केस अपने लॉजिकल नतीजे तक पहुंच सकता है. देयरफॉर आई एम गोइंग टू रिजेक्ट द एप्लीकेशन फॉर बेल. अरे देसाई भाई, तुम्हारी राशि के हिसाब से अगर तुम पैर पूरब की ओर और सर पश्चिम की ओर रख के लेटोगे तो एक महीने के अंदर तुम्हारी बेल हो जाएगी और तुम जल के बाहर. क्या बात कर रहे हैं? हाँ, ये अन्ना तो खटिया बदलने से बच्चे पैदा नहीं होते. जियो गालिब जियो. ए जो, चल तेरा बेल हो गया है, बंदी के बाद बाहर निकलना है, सामान की तैयारी कर ले. आई लव यू चंदू. वाओ जो डिसूजा आउट ऑफ द जेल. ब्रेकिंग न्यूज. ए अन्ना, तू तो कह रहा था कि चार महीने तक मेरी कुंडली में लिखा है कि मैं बाहर नहीं जा सकता. लुक एट मी, आई एम आउट. नो वंडर तू फ्रॉड के केस में इधर ही सड़ रहा है. साला, इट्स पार्टी टाइम फॉर जो डिसूजा. वाओ माय शर्ट, शर्ट दे. चल बेटा, शर्ट शर्ट. हाँ लवली. Going out of here. मेरा बैग दे. जो भाई, अपने को मत भूलना. शाबाश बेटा, शाबाश. हाँ मोइन, तेरे को कपड़े चाहिए? हाँ कपड़े चाहिए, ले रख. ऐश कर. और तू राजू, ये ले मेरे इम्पोर्टेड अंडरवे, पहन के जेंटलमैन बन जा. थैंक यू जो भाई. ले बैग पकड़. हे डूड टेक दिस फ्रिकिंग कूपन्स. मेरे तो कुछ काम के नहीं है, तेरे काम आएंगे. टेक इट, कम ऑन, इट्स कूल. लेना यार, रख. गुड. और हाँ, अगर तू कभी यहां से बाहर निकला, यू जस्ट नीड टू गिव मी अ कॉल एंड आई एम देयर. यू हैव माय नंबर डूड. ए भाई लोग, अपना अपना ख्याल रखना. अगर I deserve to go! You don't deserve to go!
इस साले जो को चर्बी बहुत है। मैटर क्लोज है ब्रदर। मार सर, मार, मार सर, मार सर, मार सर। ए सिद्धे, चाबी ले क्या दी? बहुत मर मर के भाग गया। ए साकम चल 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 लोकर है चल। साहब आज नाटक में देख ही लेता हूँ। जो भी है ना वो खेला है। मामा लोग आ गए। चल चल खोल जल्दी खोल, खोल जल्दी। ए खोल ना, चल जल्दी। चर्बी है तेरे में आ? अंदर भाई बनता है, बहुत भाईगिरी करते है अंदर। झंडू डाल इसको अंडा सेल में, साला डाल इसको, चल साला भी दिया नहीं खा के अंदर। ए उसको भी लेके इधर। स्पीड तो फेल हो गई सर, मैं कुछ नहीं किया। मार उसको, मार, लेके जाओ उसको सबके पास, लेके जा। बॉस को सपनों को बिखरते देखा है यहाँ, उम्मीदों को सिमटते देखा है यहाँ। सुनाए यहाँ बिगड़े हुए को सुधारते हैं, मगर सुधरे हुए को बिगड़ते देखा है यहाँ। चल चल फिर रे साला, बहुत चर्बी है तेरे में हरामी। आज बंद कर दो साले को अंदर, कबूतर खाने से रखा है। चल तो चल, साला हंगामा कर रखा है। ये डंडा डालकर ऊपर से निकाल दूंगा हरामी। इस अंधेरे सेल में 15 दिन अकेले रहेगा ना, सारी चर्बी उतर जाएगी तेरी। बंद कर दो साले को। कोई सुनो, कोई है क्या? मुझे पानी चाहिए। कोई सुनता क्यों नहीं? कोई है? उषा इरिटेट मत करो, इट्स नॉट पॉसिबल, आई कांट कम। देखो तुम कुछ भी बहाना मार देना। अच्छा सुनो, मैं ना तुमसे घर पे आके बात। उषा हेलो, नवाब जी वो राष्ट्र देना जरा। सर ठीक है, तुम जाओ। क्या हुआ साहब? वो पराग दीक्षित 10 दिन हो गए उसे अंडा सेल में। लड़का गलत नहीं है साहब, अच्छे घर का है। अच्छे घर का है इसलिए उस पर मारपीट का कोई केस नहीं लगाया मैंने। यहां के कुछ डिसिप्लिन है, अगर तोड़ेगा तो सजा मिलेगी ही। साहब जेल की डिसिप्लिन में औरों को ढील मिल सकती है तो पराग। नवाब ये ढील मेरी दी हुई नहीं है, मेरे ऊपर और भी अथॉरिटीज हैं। अगर मेरे हाथ में होता तो साला किसके से लड़ूं मैं? अथॉरिटीज के खिलाफ जाऊं, अपने आदमियों को रोकूं? अगर मैं एक्शन लेने पर आया तो मेरा आधा स्टाफ जेल बैरक के बाहर नहीं अंदर होगा। घर बार बीवी बच्चों को छोड़कर दिन रात यहां मरवाते रहते हैं।
अभी तेरे सामने अपनी बीबी को समझा रहा था, अपने घर में फंक्शन था, नहीं जा पाया, और बदले में क्या क्या मिलता है? लड़ी, एक तारीख को म्युनिसिपालिटी का क्लर्क भी यहां के इंस्पेक्टर से ज्यादा पैसे लेकर घर जाता है। सॉरी सर। सुन, निकालता हूं उसे, लेकिन जिम्मेदारी तेरी होगी। शुक्रिया सर। ए चिकने, चलो अपने बैरक में जा। साला नवाब को किसी पे भी तरस आ जाता है। क्या मिश्रा जी, 10 दिन में निकाला इसको? हाँ, नवाब ने साहब से बात करके छुड़वा दिया उसको। तू जमादार को बोल बैरक साफ करने के लिए। वो है ना दोनों शूट आउट वाले। इसका मतलब 10 दिन तक छुट्टी नहीं मिलेगी। थैंक यू। क्या रे पराग, जेल में राडा? 10 दिन अंडा सेल, चर्चे हो गए तेरे तो। हाँ भाई, चल बैठ। बैठना, मेरे को देख। हाफ मर्डर में 7 साल की सजा लगी है, 3 साल से अंदर हूँ। अरे भाई का हाथ है सर पर तब भी इतने कम टाइम में जितना जलवा तेरा सेट हुआ अपना भी नहीं भरे। मेरे को भी डाला था 1-12 हफ्ते के लिए अंडे में। आदमी सारा अंदर से ही खाली हो जाता है। अरे जिंदा है कि मर गया पता ही नहीं चलता। लेकिन मैं लकी है, बाहर आके ना बाबा भाई ने मेरे लिए ऐसा गोटी फिट किया। यहां अपना जो जेल का डॉक्टर है ना, उसके साथ सेटिंग की। बाहर जो सरकारी अस्पताल है, उधर फैमिली लोगों से मिला और मां को देखकर ये इमोशन निकला ना पराग। ये मां भी सही चीज होती है ना, एक बार गले लगा लेती है तो अगला पिछला सारा मामला सेटल हो जाता है। तेरे को जाने का अस्पताल, मिलने का अपनी मां को। डन।
चलो 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 सब लोग जल्दी चलो चलो जल्दी चलो 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 अरे क्या रे पराग, कैसा है रे तू? कल फैमिली लोग से मिला? हाँ खुश है ना? थैंक यू। बस क्या रे, हाँ इतनी छोटी सी चीज थी। अरे अरे तू तू क्या को कपड़े धो रहे ला? अपने चिरकुट लोग है ना वो दो डालेंगे, मैं कूपन दे देता है। चल रही नहीं नहीं सॉरी प्लीज वो आई विल डू इट थैंक यू। ठीक है तेरे को मेहनत करने की है, कर चल बट ले मिलते रहे। हाँ मिलाए माँ और मानसी से। कबीर ने इंतजाम किया था ना तेरा अस्पताल जाने का? नवाब भाई चुप, चुप कर। अब भाई लोगों का साथ पकड़ रहा है तू, गैंग में भर्ती होने का है तेरे को। वो माँ मैंने बस थोड़ी सी मदद ली। थोड़े से ही शुरुआत होती है, ये तेरे रिश्ते में नहीं लगते जो तेरे ऊपर मेहरबानी करेंगे। ये कुछ देते हैं तो बदले में बहुत कुछ लेते हैं। बहुत करीब से देखा है मैंने इनको, बहुत कुछ खोया भी है। अच्छी खासी जिंदगी थी मेरी, सुकून था, मोहल्ले में इज्जत थी, पठानवाड़ी में किराए की मटन की दुकान चलाता था मैं। बस फिक्र थी अपने छोटे भाई आदिल की, उसे मैकेनिक का काम सिखाकर दुबई भेजना चाहता था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे और उन सपनों के पूरे होने की उम्मीद उसे बिलाल भाई में दिखने लगी। बिलाल के रिश्ते अंडरवर्ल्ड से थे और मैं जानता था कि आदिल की बिलाल से ये मेल मुलाकात आदिल को बर्बाद कर देगी। आदिल जल्द ही पुलिस के नजर में भी चढ़ गया। मैंने बहुत समझाया, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आदिल को बचा लूं, लेकिन आदिल नहीं माना और एक दिन वही हुआ जिसका डर था। आदिल कहाँ है? बोल हरामी साले, आदिल कहाँ है? बोल। क्या हुआ सर? अरे आदिल कहाँ है बोल। गराज में। गराज? साला बिलाल और उसके लड़के लोग लतेश शाह बिल्डर को गोली मारकर भाग गए। तेरा भाई भी साथ में था साला, तेरा भाई भी साथ में था। बोल कहाँ है वो? मालूम नहीं साहब। मालूम नहीं साले? मालूम नहीं, मैंने पहले ही समझाया था तेरे को। अभी देख उसको ढूंढ के साला कैसे गोली मारता हूँ मैं। हट। ये तमाशा हो रहा है क्या? चले आते हैं। ये चलना। जानता मैं इसको। अरे क्या तू अपनी शक्ल देख, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है।
बिना बादलों के बरसता ही जाए। अपुन के भाई की माफी का क्या, अपन इसका पूरा ख्याल रखेगा, जो जुबान है अपुन का। देख छोटे, डरने की जरूरत नहीं है। भाईजान मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। भाईजान मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर। बस तुझे भी उसी रास्ते पर चलते हुए देखा, जेल बड़े बड़ों को बदल देती है पराग। कोशिश कर, जैसा तू यहां आया था वैसे ही बाहर जाए। नवाब भाई, घोष बाबू आपका तो बड़ा नाम है, इतने इंटरनेशनल अवार्ड ले चुके हैं आप, तो आप यहां कैसे पहुंचे? क्या बताऊं साहब, 2.5 साल पहले अचानक एक रात पुलिस वालों ने मुझे घर से उठा लिया और मुझ पर यह इल्जाम लगा दिया कि मेरा संबंध नक्सलवादियों के साथ है। याकूब साहब, जब गवर्नमेंट रिवॉर्ड देने पर आती है ना, तो सारे के सारे अवार्ड धरे के धरे रह जाते हैं। 2 साल नासिक जेल में बिताया, तब से उसके बाद यहाँ पर। ए, क्या हो रहा है, सोने का नहीं है क्या तुम लोगों को? चलो सो जाओ। चलिए सर। बकवास कर रहे हैं। क्या भाव भाई, सब ठीक ना? जी हाँ। सब खैरियत तो है ना, खाना पीना हो गया? साहब आपके होते हुए क्या प्रॉब्लम हो सकता है? साहब वो आपके हफ्ते का पैसा वो शादा ब्लॉन्डे के पास में पड़ेगा, बाकी सब लोग का भी है उधर। उठा लो ना वहां से साहब। ठीक है साहब, यार अपने बच्चों का ख्याल रखना जरा। अरे क्या बाबा भाई, हाँ ये बोलने की बात है क्या? चलो आराम करो। दिल्ली वाला घर, माँ ने उसे बेच क्यों दिया? और कोई ऑप्शन नहीं था पराग, बिलीव मी, कोई ऑप्शन नहीं था। 8 महीने हो गए हैं, लॉयर की फीस और बाकी खर्चे, बट यू डोंट वरी, इट्स ओके, यू नो जब तुम बाहर आ जाओगे ना एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। इनफ पॉलिसी, इनफ। यहां लोग सालों से पड़े हैं, व्हाई यू लिविंग ऑन फॉल्स होप? मूव ऑन, मूव ऑन। तुमने वो इंटरनेशनल एयरवेज के लिए अप्लाई किया था ना, जिस दिन वहां से कॉल आया ना, जस्ट फक इट मी एंड गो। अपॉइंटमेंट लेटर पराग। ग्रेट, व्हाट यू वेटिंग फॉर? हाँ, तुम्हारे आगे तुम्हारी पूरी जिंदगी है मानसी, मेक मोस्ट ऑफ इट, गो। Thank you.
तन्हा है दिल तन्हा सफर, जख्म हुए है बेअसर, जिंदगी ने दिए सितम, फिर भी रहा तेरा करम, मिलके यूं लगा कब से था जुदा, सुन मेरी सदा, सुन ले मेरी ये अब सदाएं, मुझसे हुई है क्या खताएं, यादों में तू ही रब्बा, तुझसे अलग मैं कब था, तुझको ही ढूंढे अब निगाह, मिलके यूं लगा कब से था जुदा, हाँ मेरे खुदा, सुन मेरी सदा, गहरे अंधेरों के हैं साए, हमसे कहीं तू खो ना जाए, दिल हो गया है बंजर, जिंदा है तेरे मंजर, रातों की कर दे अब सुबह, मिलके यूं लगा कब से था जुदा, गनी आगे मैं तुम्हारा केस नहीं लड़ पाऊंगा। अरे पर क्यों कादरी भाई, क्या किया मैं? क्यों मतलब? पिछली छह पेशी से मुझे मेरा पैसा नहीं मिला है, और ऊपर से तुम्हारी बीवी सबीना वो किधर है? भाई सच बोले तो डेढ़ महीने से मेरे को मिलने को भी नहीं आई, आपको कुछ तो खबर होगी। कोई खबर नहीं है, घर पर आदमी को भी भिजवाया था, वहां पर भी नहीं है वो, और ऊपर से उसने वो मोबाइल नंबर भी बदल दिया है। फैक्ट्री पे देखा? बस बहुत हुआ, अब और मुझसे नहीं होगा, चाहो तो दूसरा वकील कर लो, और वो तुम्हारे केस पेपर मैं जेल अथॉरिटीज को सौंप दूंगा। वकील साहब मैं, खुदा हाफिज। काम खत्म करके वेल्डिंग शेड पे आओ दोनों। ये चार दिन से कपड़े पड़े ले, वो सब कब धोएगा रे तू? हाथ हा? भाई उसका हाथ दुख रहा है। उसका हाथ दुखता तो मैं क्या करूं? कबीर मेरे को जेल से निकलने का है, बदले में तुम लोग जो भी बोलेंगे मैं तैयार। सलाम भाई। बैठ। छोटे आदमी बुरा नहीं होता, आदमी का वक्त बुरा होता है। हो जाएगा, चल। शुक्रिया भाई। अरे वहां जाके अपना काम बजाएगा कि नहीं? एहसान पहले घोड़ा, और ये फोटो, इसका नाम है दमानिया, रोज सुबह 5:30 बजे वर्ली CPS पे वॉक करने के लिए आता है, इसके पीछे इसकी गाड़ी का नंबर लिखा है, इसको टपकाने का है क्या? डरने का नहीं, और काम होते ही फोन करने का, चल निकल ले, चल छोटे। सब बकवास पत्ते,
तो चल। भाई साहब ये तालाब यहाँ सबीना रहती थी ना? अरे वो पहले रहती थी यहाँ पे, अभी वो बैराम पहाड़े में किसी खोजा गली में चली गई है, ये खुली किसी और ने खरीद ली है। चलना चाल जल्दी। अरे यार कुछ हो तो चलो ना, ये ले। अरे गनी तू, किधर थी तू सबीना, किधर थी तू, मेरे को मिलने को भी नहीं आई। कितना ढूंढा मैं तेरे को मालूम, और मालूम है कितना मुश्किल से तेरे लिए जमीन पे छूट के आया मैं। और क्या तू अपना नया नगर का घर छोड़ के इधर भैरमपाड़ में क्या कर रही, किसका खोली, और अपनी बच्ची किधर है, अपनी मेरू बताना। कौन है सबीना? सबीना क्या करती मैं, हाँ कब तक अकेली रहती? जिस भी एक बार से बाहर निकाल के तूने मुझे घर दिया था उसमें वापस जाने से तो अच्छा था मैंने इस आदमी का सहारा लिया, तो क्या गलत किया? गुस्से को काबू में रख, अपनी बच्ची के बारे में सोच गनी। मिस्टर पराग दीक्षित, आपको चार्जशीट की कॉपी मिली है? जी। आपका लॉयर? मिस्टर पराग दीक्षित, आप पर यह चार्ज है कि 6 अप्रैल शाम को 8:15 पर आप बैंड्रा में अपनी कार में थे, पुलिस की एक टीम ने आपको रोकने की कोशिश की, आप और आपके डिसीज्ड को-अक्यूज्ड केशव राठौर ने मिलकर पुलिस पर फायरिंग की, जिसके लिए आप पर आईपीसी सेक्शन 307 रेड विथ 34 का चार्ज लगाया जाता है। दूसरा चार्ज ये है कि आपकी गाड़ी नंबर MH04BH3254 में आपके और डिसीज को-अक्यूज्ड के कब्जे में 2 किलो कोकेन और 2.5 किलो ब्राउन शुगर पाई गई थी, जिसके लिए आप पर NDPS एक्ट सेक्शन 21 का चार्ज है। सो डू यू प्लीड गिल्टी? थैंक यू सर। पिछले 2 सालों में पहली बार मुझे किसी ने पूछा है कि मैं गिल्टी हूं या नहीं। नो सर, आई एम नॉट गिल्टी। नेक्स्ट हियरिंग October 24th। आओ आओ गालिब भाई, बैसो ने। अरे गालिब भाई, तुम्हारी मुलाकात नो शू थयू, बहुत टेंशन में लग रहे हो। देसाई भाई, अभी अभी पता चला है मेरी माँ बहुत बीमार है। आप तो जानते हो इतने टाइम में मैंने कभी किसी से कोई मदद नहीं मांगी, लेकिन आज बहुत फंस गया हूँ। मेरी माँ सूरत की हॉस्पिटल में एडमिट है, ऑपरेशन नहीं हुआ तो नहीं बचेगी। मैं बाहर होता तो कैसे भी करके पैसों का जुगाड़ कर लेता, पर यहाँ भाई मेरी थोड़ी मदद कर दो, वरना मेरी माँ बचेगी नहीं, मेरी माँ मर जाएगी भाई।
मेरी माँ मर जाएगी भाई। गालिब 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 परेशान मत हो, मैं करता हूँ कुछ। कितने पैसे चाहिए? 15-20 हजार। 15-20 हजार? अच्छा, ये जय सोड़ा नाम का मेरा एक बुकी पार्टनर बाहर है, उसका नंबर और एड्रेस मैंने लिख दिया है, कैसे भी जुगाड़ करके ये चिट्ठी उसको भिजवा दे, तेरा काम हो जाएगा। थैंक यू देसाई भाई, थैंक यू। आज सिर्फ एक खास आपके लिए, हाथ से हर सांस आपकी गुलाम होगी, हर पल आपको सलाम होगा, निकलेगा जब दम मेरा तो जुबा पे बस आप ही का नाम होगा देसाई भाई। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भाई। साहब हाँ, ये एड्रेस पे दे देना। अच्छा, आपको पैसे वहाँ से मिल जाएंगे? ठीक है, मेरा काम हो जाएगा ना साहब? हो जाएगा रे, तू फिक्र मत कर, चल निकल। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, देख लेना साहब। से शुरू कर। क्या रे, कंप्यूटर मिली कि नहीं अभी? नहीं साहब, वो रूम खाली नहीं हुआ अभी तक। क्यों? अरे शर्मा साहब को तो रिटायर होकर 2 महीना हो गए। अरे उनको खुद को अभी तक रूम नहीं मिला। देख गायकवाड़, कंप्यूटर रूम मिलना बहुत मारा मुझे, तो पता चला कि पीछे जाकर किसी ने नंबर लगा लिया। ए नीचे आना जरा, बीड़ी बीड़ी पिला। हाँ साहब। अरे वो पीछे की भी थैली लेके आ। हाँ ठीक है, सब खाली कर। ड्यूटी में कौन कौन है? यादव, चौहान और मिश्रा। तो एक काम कर, यादव को वो डबल ड्यूटी कर लेंगे। ठीक है। ए आशीष, ए चौहान, अरे गाड़ी चेक हो गए रे, चल जल्दी उतर, कोर्ट के गाड़ी आने का टाइम हो गया। चल चल चल, जाने दे जाने दे। देखूंगा ये खुला आसमां दोबारा, कभी सोचा न था मान जाएगा मेरा रूठा खुदा, कभी सोचा न था। गम में बहुत रोया अब तलक गालिब, खुशी से रो पड़ूंगा एक दिन, कभी सोचा न था। वाह क्या बात। बाकी के बैरिक की पोजीशन ओके, यहाँ क्या पोजीशन है? सर यहाँ पे गिनती में एक कम आ रहा है। कौन? गालिब सूरत वाला। गालिब, खैर किसी ने सही कहा है, नेकी कर दरिया में डाल। हाँ
मानना पड़ेगा गालिब को। किसने सोचा था कि शायरी करते करते इतना बड़ा गेम खेलेगा। चलो अच्छा है, कम से कम एक आदमी यहाँ से बाहर निकल के नॉर्मल इंसानों की जिंदगी तो जिएगा। तुझे क्या लगता है यहां से निकलकर वो आराम से रह पाएगा? बात यहां खत्म नहीं हो जाती। जिंदगी भर बस भागना ही पड़ता है, जिंदगी भर। जहां भी जाएगा डरता रहेगा। या तो पकड़ा जाएगा या फिर पुलिस की गोली खाएगा। मिस्टर पराग दीक्षित, आप पर और डिसीज्ड को अक्यूज केशव राठौर पर आईपीसी सेक्शन 307 में पुलिस ऑफिसर पर फायर करने का चार्ज है, लेकिन प्रोसिक्यूशन हैज फेल टू प्रूव कि आपको इस बात की जानकारी थी कि डिसीज्ड को अक्यूज केशव राठौर के पास फायर आर्म्स है और वो उसे पुलिस पर चलाने वाला है। इसलिए आईपीसी सेक्शन 307 के चार्ज से आपको बरी किया जाता है। हावेवर एनडीपीएस एक्ट सेक्शन 21, जिसमें आपके ऊपर ये चार्ज है कि आपके पोजेशन में कमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स पाए गए, इज प्रूव्ड बियॉन्ड डाउट। इस चार्ज में आपको कन्विक्ट किया जाता है। आपको अपनी सजा के बारे में कुछ कहना है? सर, सर मैंने ये क्राइम नहीं किया। सर सर वो बैग मेरा नहीं था सर, वो बैग केशव का था सर। प्लीज सर, दैट स्टेज हैज ऑलरेडी पास्ड नाउ। डू यू हैव टू से एनीथिंग अबाउट द सेंटेंस? योर ऑनर, मिस्टर पराग दीक्षित इज अ यंग मैन, ही हैज अ फैमिली टू रन। आई रिक्वेस्ट इन्हें कम से कम सजा दी जाए। कोर्ट मिस्टर पराग दीक्षित को NDPS Act Section 21 के अंडर 10 years rigorous imprisonment और 2 लाख रुपए फाइन की सजा सुनाती है। फाइन नहीं भरने पर 2 साल की एडिशनल सजा जोड़ी जाएगी। फैसले ने सिर्फ पराग की उम्मीदें ही खत्म नहीं की थी, उस फैसले ने पराग को ही खत्म कर डाला। अपने आप को अपने अंदर ही कैद कर लिया उसने। एक अजीब सी घुटन, अजीब सी खामोशी देखी थी मैंने उसके अंदर। मानसी और मां कई बार मिलने आए लेकिन पराग कभी उनसे मिलने नहीं गया। मैडम, वो आपसे मिलना नहीं चाहता है, आप जाओ। मैंने भी उसे उस घुटन से बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन जो इंसान जिंदगी से रिश्ता तोड़े बैठा हो वो कोई और रिश्ता क्या निभाएगा। ऐसा लगने लगा जैसे पराग जेल के रजिस्टर में एक नंबर बन के रह गया है। जिंदगी जीना तो कब का छोड़ चुका था वो। Thank you.
50 कूपन मांगे, बोला सिर्फ 5। कबीर अरे वो देख चंदू उधर खड़ा। क्या चंदू भाई कैसे हो? कबीर मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, पापा भाई से बात करूँ ना प्लीज। जानता है क्या बोले ला तू? हाँ फैमिली वाला आदमी है भाई, फालतू के लफड़े में नहीं पढ़ने का। ऊपर से हाईकोर्ट में तेरी अर्जी लगी है, अरे क्या पता सीधा सीधा छूट जाए तू। हाँ कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मेरा। पिछले 2 सालों से अपने आप से झूठ बोले आ रहा हूँ, 8 साल और इस झूठी ओप में मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। या तो ये जेल मुझे मार देगा या मैं खुद। अच्छा चल ठीक है समझ में, बाबा भाई से बात करता हूँ और वो तेरे को यहाँ से बाहर निकाल देता है। फिर बाहर निकल के करेगा क्या? कुछ भी करूँगा मैं, मुझे यहाँ से बस बाहर जाना है बस। कुछ भी करूँगा मतलब? हे लुखे बाबा भाई बिना मतलब के किसी को दुआ भी नहीं देता है। बाबा बोलेगा बाहर जाके किसी को उड़ाने का है, उड़ाएगा क्या तू? हाँ बोल बोल ना। डीआईजी ऑफिस से ऑर्डर आए हैं कि हमारे जेल से 60 कैदियों की दूसरे जेलों में शिफ्टिंग है। मैंने ये लिस्ट बना दी है। लाड सर 2 दिन में शिफ्टिंग है, देख लो सब ठीक से हो जाए। ओके सर। ए हाथ धुला। कबीर कुछ बात हुई पापा भाई से? पापा भाई को टिप मिली है, जेल में रूटीन ट्रांसफर हो रहा है, 40-50 कैदी दूसरे जेलों में जा रहे हैं। पापा भाई ने चक्री घुमाकर उसमें तेरा नाम भी डलवा दिया है। देख अभी किसी से कुछ नहीं बोलने का, आगे जो भी मूवमेंट होगा जो भी करने का है मैं तेरे को बोलता रहेगा, समझा? हाँ चल। एक खबर है तुम्हारे लिए, तुम नासिक जेल भेजा जा रहा है। जेल में रूटीन ट्रांसफर हो रहा है। देखो पराग मैं जानता हूं कि तुम्हारा हर चीज से विश्वास उठ चुका है, लेकिन फिर भी कहूंगा उम्मीद मत छोड़ना। खुदा अच्छाई का इम्तिहान जरूर लेता है लेकिन वो कभी नाइंसाफी नहीं करता। जा रहा हूं भाई। टेंशन लेने का नहीं, तुम लोग की सेटिंग कर दिया मैंने, यहां से गोरखपुर बॉर्डर पर चले जाने का, वहां अपने लड़की मिलेंगे, वहां से नेपाल निकल जाना तुम लोग। ठीक है भाई। हाँ वो क्या नाम उन्होंने का उसका पराग? हाँ भाई उसका भी सेटिंग तेरे साथ में कर दिया है, ठीक है ना? खुदा हाफिज भाई। टाइगर चल। ए इंगड़े सर नागपुर पुणे हो गया? हो गया सर। चलो निकलो गाड़ी। ए सब लोग बैठो अंदर, चलो। ए चलो रे चलो, ले जा रहे हैं इनको साटाम नासिक और कोल्हापुर। शुरू कर चलो कर। सुहास पाटिल, फिरोज अख्तर वाला हाथ ऊपर करो, अभी पहलवान मैं कॉल। चलो चलो जल्दी चल, फटाफट फटाफट चल आगे जाओ। जावेद कोगनी चल नासिक, इधर बैठ देखना। ए चल आगे चल। रज्जू खान ए बराबर गए, सरती तेजी बराबर गए। आगे चलो जल्दी जल्दी। हां थैली रफीक पत्रा वाला, कबीर मलिक हाथ ऊपर आगे जा। सरबजीत सिंह जा चल ऊपर कर। अरे बैग हाथ ऊपर। सदा सावल जयराम चेरियन आ जा। पराग दीक्षित
अमित सिन्हा दिल्ली हां नासिक लाइन में फैयाम काजू अरे राजू खत्री हां तो पर टोनी राजन थैली खोल चलो टोनी राजन आगे जा जयराम चेरियन अपना ख्याल रखना दिलीप मिश्रा हाँ तो बार पराग दीक्षित नासिक चलो उधर नासिक नहीं कोल्हापुर बैग खोल लेकिन सर यहाँ तो नासिक इंगड़े कोल्हापुर ओके सर ए चल इधर कोल्हापुर चल इधर इधर बैठ चले चल जल्दी कर चल ए बस सर जगह संभाल आशीष पटवाल चलो 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 हाथ उठा सर मैंने वो एक्स्ट्रा रूम्स के लिए रिक्वायरमेंट भेजा था उसके बारे में कुछ पता चला वो दो नंबर शेड को जो डिसमेंटल करने की बात है वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं ओ चलो हां ओपीडी के लिए चार नंबर के बाहर एक शेड बनाया जाए जल्दी चलिए आ लेट ओके 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 थैंक यू दिल्ली कोलो कालू पटवा सब ठीक है जी केशव मूर्ति हाथ ऊपर केशव मूर्ति नवाब हां साहब चलो जल्दी जल्दी चलो कोल्हापुर की गाड़ी तैयार है तैयार है सर चलो निकालो फटाफट चलो ओके सर ए चलो रे तुम ए चलो उठो जल्दी चलो चलो गाड़ी में बैठो चल चलना ए चल जल्दी जल्दी चल चल बराबर ले जल्दी करना आगे आ जाओ चल आगे चल चलो हाथ ऊपर चल चलो चल जल्दी हां चलो चल अंदर हां चल जल्दी करो जल्दी करना चल जल्दी कर ए चल आ गया चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा ढल जाएगा ढल जाएगा ए बाबा है क्या नहीं है चल अंदर बैठ ए बाबा सुलगा देना ये ले Look!
भाग भाग यहाँ से। चल रे नंदू सावन निकल चल रज्जू चल पराग चल 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 पराग चल निकल पराग निकल पराग हाँ पराग आजा आजा पराग मैं क्या हुआ पराग ये पराग पीछे क्यों जा रहा है चल चल पराग पराग ये सोचने का वक्त नहीं है तेरे को निकलना था ना जेल से क्या हुआ ऐसा मौका बार बार नहीं आता क्या सोच रहा है पराग चल 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 पराग पराग तू पागल बंदी कर रहा पराग कर रहा चल मर साले रुक 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 आगे के अपडेट्स देते रहना मुझे ओके बाय सर। सुनो नवाब जी, खबर मिली है कि कोल्हापुर जेल वाली वैन में पुलिस और कैदियों के बीच में झड़प हुई है। हमारे दो कांस्टेबल बुरी तरह जख्मी हो गए हैं, कबीर मलिक और उसके साथ पांच और कैदी फरार हो गए हैं। सिर्फ एक लड़का नहीं भागा, वो पराग दीक्षित। ये पराग और उस पर मेरे भरोसे की जीत थी, और हर उस बुराई की हार जो पराग के अंदर के इंसान को खत्म करना चाहती थी। कोल्हापुर जेल में पराग ने फिर एक बार जीने की कोशिशें शुरू की। उसका अपने आप पर, अपनी जिंदगी पर खोया विश्वास लौटने लगा। कुछ वक्त बाद हाई कोर्ट में पराग के केस की सुनवाई शुरू हुई। मानसी ने एक नए वकील को पराग का केस सौंपा। The trial court has refused to accept two important pieces of evidence. Number 1, appellant ke office ke CCTV se liya gaya wo footage jo abhi aapne dekha. Usme saaf dikhai deta hai ki us din appellant jab office se bahar nikla to uske haath mein drugs wala bag nahi tha, my lord. Point number 2, appellant ke mobile phone se kiye gaye calls ka tamam record. Uske transcriptions, uska voice analysis report. इसे ये जाहिर होता है कि तमाम ड्रग पेडलर्स को किए गए फोन अपीलेंट के फोन से ही किए गए, लेकिन उसमें से एक भी आवाज अपीलेंट की नहीं थी। हां, केशव राठौड़ की हो सकती है। माय लॉर्ड वुड अप्रिशिएट कि अपीलेंट अगर प्रोफेशनल ड्रग डीलर होता तो जब पुलिस की गाड़ी ने उनको परस्यू करना शुरू किया तो उन्होंने अपनी गाड़ी का स्पीड बढ़ाया नहीं, ऑन द कॉन्ट्ररी अपीलन ने अपनी गाड़ी का स्पीड कम किया, और जब पुलिस ने उनको इंटरसेप्ट किया तो केशव राठौड़ गाड़ी से उतरकर भागा, ना कि अपीलन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली माय लॉर्ड, केशव राठौड़ गाड़ी से उतरकर भागा। केशव राठौड़ के पास अनलाइसेंस्ड फायरआर्म था, केशव राठौड़ ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की। इसका मतलब सिर्फ यही है कि केशव राठौड़ जानता था कि गाड़ी में 3.5 करोड़ के ड्रग्स हैं, ना के अपीलेंट। मेलॉर्ड, केशव राठौड़ ने अपीलेंट को यूज किया है, उसकी गाड़ी यूज की, उसका घर यूज किया,
उसका फोन यूज किया, उसका उसका इनोसेंस यूज किया है। इसलिए माय लॉर्ड, द अपील डिजर्व्स टू बी अलाउड एंड अपीलेंट बी एक्विटेड। थैंक यू माय लॉर्ड। Trial court has committed serious errors of law and facts. In the result, this appeal must succeed and is accordingly allowed. The impugned judgment and order convicting and sentencing the appellant of the offense punishable under Section 21 of the NDPS Act is set aside. The appellant stands free of the charge. He be immediately set free unless required for any other offense. This appeal is admitted. सालों में कोई नहीं आया था मुझसे मिलने, लेकिन पहली बार मुलाकात के लिए मेरा नाम पुकारा गया। बहुत खुशी हुई पराग और मानसी को देख के, और सुकून भी कि पराग जैसे आया था वैसे ही लौटा इस जेल से। कहा था ना, इंसान भले ही जेल को ना अपनाए, लेकिन जेल सबसे अपने आप रिश्ता जोड़ लेती है।